अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रोशन तारिक और यहां मैं आज मुत्तहदा अरब अमारात और दुबई से लेटेस्ट अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं। सबसे पहले मैं आपको जो है वो दुबई और अमारात के हवाले से वीज़ा अपडेट देने जा रही हूं। जी हां, अमारात ने विज़िट वीज़ा के लिए किन शराइत का ऐलान कर दिया है, ये शराइत बताऊँगी मैं अपने इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देख सकें। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अमारात हुकूमत ने विज़िट वीज़ा के लिए तीन अहम शराइत रखी हैं। सबसे पहले ये कि आपके पास तो इंश्योरेंस होनी चाहिए, यानी हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होनी चाहिए। अगर इंश्योरेंस है, आपने बकायदा अपनी लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो ही आपको वीज़ा दिया जाएगा। अगर आपकी उम्र 18 से 50 साल है और आप मेल हैं तो आपको विज़िट वीज़ा नहीं दिया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, 50 साल से ऊपर वालों को दिया जाएगा, सिंगल मेल कैटेगरी में वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तीसरी शर्त ये है कि अगर आपने फैमिली के साथ जाना है तो आपने तमाम तर तफसीलात जमा करवानी होंगी अपनी फैमिली की कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे और आपका पर्पज़ क्या है, तो आपको फिर टूरिस्ट वीज़ा दिया जाएगा। तो ये कुछ तीन शराइत हैं जो पहले से ज़्यादा कड़ी दिखाई दे रही हैं विज़िट वीज़ा के लिए। अमारात हुकूमत ने इनका ऐलान कर दिया है, यकीनन आप भी ये जानना चाह रहे होंगे। तो अब मैंने आपको बता दिया, अलबत्ता फ़ीमेल के लिए वही है कि अगर फीमेल की एज 20 प्लस है तो वो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती हैं, दुबई या अमारात जा सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।